हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज कुक हाउस। आप सब लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलने वाले राम लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी चटनी बनाना बताऊंगी कि कैसे चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी धनिया ली है और हरी धनिया को मैंने अच्छे से दो तीन पानी से वॉश कर लिया है और इसे काट लिया है। साथ में यहाँ पे प्याज लिया है, हरी मिर्च दो से तीन, चार पांच लहसुन की कली और कुछ मूली के पत्ते और एक आंवला लिया है। तो अब हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबको मिक्सी जार में डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे मैं सफ़ेद वाला नमक डाल रही हूँ और यहाँ पे अब मैं काला नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ। इससे चटनी का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो काला नमक एक अलग फ्लेवर देता है, तो इसलिए मैं इसमें काला नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो अब हम चटनी को पीस लेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब ये देखिए, मैंने चटनी को यहाँ पे पीस लिया है और इस तरह से चटनी हमारी ये रेडी हो चुकी है। चटनी को रखते हैं साइड में और ये रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाना है। तो राम लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी दाल को मूंग की दाल ली है और मूंग की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर लिया था। तो 4-5 घंटे सोक होने के बाद ही हम इसको बनाएंगे। तो ये सोक हो चुकी है और इसका मैंने पानी बिल्कुल अलग कर लिया है और अब हम दाल को पीस लेंगे। तो यहाँ पे दाल डाली है मैंने मिक्सी जार में और 2 हरी मिर्च और ये अदरक का एक टुकड़ा डाला है। इसके अलावा अब हम कुछ इसमें नहीं ऐड करेंगे और बस थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 4 से 5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से पिस जाए। तो दाल को हम बिल्कुल एकदम महीन इस तरह से पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से बैटर रेडी कर लिया है। तो ये इस तरह का बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। हम पानी को ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही पानी ऐड करेंगे पीसते समय। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अगर आप न खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें और कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। हरी धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हरी धनिया नहीं डलती है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच बस हींग डाली है और नमक अभी नहीं डाला है। नमक हम जब बनाएंगे, फ्राई करेंगे, यानी कि बस उससे थोड़ा टाइम पहले डालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मेन सीक्रेट क्या है राम लड्डू बनाने का। ये तो दाल पीस के तैयार हो गई, जीरा डाल दिया हमने इसमें और अब हम इसको हाथों से फेंट लेंगे, अच्छे से बीट करेंगे इसको। हमें किसी बीटर की हेल्प से इसको नहीं फेंटना है, हमें सिर्फ इसे हाथों से ही बहुत अच्छी तरह से फेंटना है और बिल्कुल फ्लफी होने तक ही फेंटना है इसे। इसमें लगभग 10 मिनट्स लग जाते हैं इसको अच्छी तरह से फ्लफी आने में। और ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल फ्लफी रेडी होना चाहिए। हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सॉफ्टनेस के लिए सोडा भी नहीं डालेंगे इसमें। बस इस तरह से हम हाथों से फेंटते रहेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल एकदम रुई की तरह हो जाएगा। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट, एकदम फ्लफी रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाला है और नमक को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। इस तरह से देखिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ नमक,
चलिए अब हम करते हैं फ्राई। मैंने यहाँ पे गैस पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और ये ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये बैटर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, फुल पे नहीं फ्राई करेंगे। और मैंने इसको स्पून की हेल्प से डाला है, आप चाहे तो इसे हाथ से भी जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं वैसे आप इस तरह से फ्राई करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन्हें स्पून की हेल्प से डाला है और अब हम एक दो बार इसको चला लेंगे और फ्लेम को ध्यान रखिएगा मीडियम ही रखना है, एकदम फुल पे नहीं रखना है। तो ये देखिए एकदम फूले फूले सॉफ्ट फ्लफी स्पंजी ये फ्राई हो गए हैं और इसका कलर देखिए कितना ही सुंदर आया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर दिख रहा है और अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बस इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। मैं दूसरे बैच का भी इसमें बैटर डाल रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं और ये सबको बहुत पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। ये देखिए मैंने सेकंड बैच भी निकाल लिए हैं और इसी तरह से हम सारे बैटर को इस तरह से तीन चार बैच में डाल के हम इनको फ्राई कर लेंगे और इसे गरम गरम ही खाएंगे और हम इन गरम गरम लड्डुओं का एंजॉय करेंगे। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे सारे बैटर का ये लड्डू तैयार कर लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल लड्डू तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे असेंबल करते हैं। असेंबल देखिए इस तरह से करेंगे। असेंबल करने का भी इसका एक अच्छा ही तरीका है। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू प्लेट में डाल लिए हैं और इसे असेंबल करने का तरीका, तो थोड़ी थोड़ी हम चटनी डालते जाएंगे इसमें और चटनी डालने के बाद इसमें हम मूली डालेंगे। मूली को हमने कद्दूकस करके इस तरह से लंबी लंबी कद्दूकस कर ली है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसको चटनी और मूली के संग खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मैं इसमें यहाँ पर थोड़ी सी धनिया भी ऊपर से डाल देती हूँ। देखिए कितने ही सुंदर बने हैं, उतने ही टेस्टी यमी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।